चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और साउथ फिल्मों के भगवान रजनीकांत की आने वाली फिल्म 2.0 को लेकर लोगों में किस तरीके से बेसब्री है। यह फिल्म पहले इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म साल 2018 में रिलीज होगी। फिल्म के मेकर के अनुसार अभी वो लोग फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर जोर शोर से काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। दर्शकों ने इस खबर को पढ़ने के बाद अपने दिल पर कुछ दिनों के लिए और पत्थर रख लिया और फिल्म का इंतजार बेसब्री से करने लगे हैं। हालांकि बीच में इस फिल्म को लेकर नई नई खबरें आती रहती है। जहां कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि फिल्म 2.0 के सैटेलाइट राइट्स को जी मीडिया ने 110 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, तो अब खबर आ रही है कि फिल्म के तेलुगु राइट्स को भी खरीद लिया गया है, जिसके लगे फिल्म के मेकर्स को एक बहुत बड़ी राशि मिली है। इस बात की जानकारी खुद लाइका प्रोडक्शन के क्रिएटिव हेड राजू ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म 2.0 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ग्लोबल सिनेमाज ने खरीद लिया है। फिल्म के राइट्स जितने रुपए में बेचे गए वो एक इतिहास बनाएगा। हालांकि उन्होंने वो राशि नहीं बताई है जिसमें यह सैटेलाइट राइट बेचा गया है। इसके लिए हम सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि फिल्म 2.0 को बनाने में लगभग 400 करोड़ का खर्चा आया है। फिल्म के मेकर चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस राशि को कवर कर लिया जाए। वैसे इसमें मेकर को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें देश के दो बड़े स्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार हैं, जिस कारण इस फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई की उम्मीद जताई जा रही है।